दिया, पत्र गायब, फाइल गायब, सैकड़ों की संख्या में फाइलें गायब है। सदर तहसील का आप कर लीजिए, मैं जाए कर गई कहाँ, मैं नहीं बो रहा हूँ तो वो भी नहीं बोए, हमारे नाम की जमीन है, ठीक है, हम नहीं बोले, बंगई से बोलेगा, इसलिए कि वो जयशंकर सिंह का रिश्तेदार है। अब योगी जी का कोई रिश्तेदार होगा तो पूरे प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बीजेपी के महामंत्री सरकार को कोसते हुए बहा रहे आंसू, कहा कहने को तो अपनी सरकार, लेकिन सपा से भी ज्यादा मिल रही जलालत और प्रताड़ना। न्याय के लिए आमरण पर बैठे भाजपा के निवर्तमान जिला महामंत्री, खबर जनपद बलिया से। अपनी ही सरकार में न्याय के लिए आमरण पर बैठे भाजपा के निवर्तमान जिला महामंत्री आंसू बहाते हुए बोले, अपनी ही सरकार में सपा से भी ज्यादा मिल रही है जलालत और प्रताड़ना। यह सत्य है जिसे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बस भाजपा के निवर्तमान महामंत्री नंदलाल सिंह हैं, जो अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए जब प्रशासनिक अधिकारियों के यहां दौड़ते दौड़ते थक गए, अब 6 नवंबर को कलेक्टर पर आमरण अनशन पर बैठ गए। इनका आरोप है कि अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अपनी ही सरकार में मुझे जितनी जलालत और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उतनी तो सपा सरकार में भी नहीं मिली थी। इनका आरोप है कि जिन दबंगों ने मेरी और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया है, वे लोग भाजपा सरकार बनने से पहले सपाई थे। श्री सिंह ने जो आरोप लगाया है उसको आप स्वयं सुनिए और देखिए निवर्तमान जिला महामंत्री कैसे रो रो कर अपनी व्यथा कह रहे हैं। SDM साहब कहा था कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते। हम कहेंगे कि जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा जी? हमारी तीन मांगे हैं। एक तो हमारी काश्तकारी जमीन, जो काश्तकारी हमारी जमीन है उसको खाली कराया जाए, और जो ग्राम समाज का 1.5 बीघे जमीन वो जोत रहे हैं उसको प्रशासन खाली करवावे। पूरे प्रदेश में सरकार अभियान चला रही है ना कि ग्राम समाज और सरकारी जमीन को खाली कराइए। और तीसरा है कि सरकारी हॉस्पिटल आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहाँ पे, उसमें अतिक्रमण हुआ है और उस पर भी IGRS में तमाम डाला गया है, कोई उस पर कार्रवाई। क्षेत्रीय वहीं के लोग हैं ये भी उसमें कुछ पकड़े हैं सब, और दूसरे लोग भी पकड़े हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी 10 जनवरी 2022 को लेटर लिखा सदर SDM को खाली कराने के लिए, आज तक उस पर वो एक हाँ ये तीन गो बात। हाँ काजी केहू ने क्या है? पूरे विवाद की जो है वो देखिए IGRS पर डाला है 3 दशमलव नई पत्ती का, वो इसमें रिपोर्ट लग रही है कि हमारे घर के उत्तर साइड में एक मंदिर है वो IGRS में है, और वर्तमान में जब जाकर दिखाया है तो हमारे दरवाजे पर दिखा दिया है कि यहाँ पर ग्राम समाज है, और उसका नक्शा भी मेरे पास है। पूरे विवाद की जड़ वो सचखंड चौरसिया है, पूरे गाँव के लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए। जितना विवाद हमारे गाँव में पैदा हो रहा है वो हमारे गाँव का लेखपाल भी नहीं है, वो फर्जी नियुक्ति पर हाईकोर्ट से अस्थगन लेकर वो नौकरी कर रहा है, और पूरे गांव में जमीन का विवाद वही बना रखा है। नहीं, ग्राम सभा में जो भी मैं तो आग्रह करूंगा कि उसको अगर इतना ही काबिल है तो उसको बैरिया तहसील में भेज दीजिए, बेलतरा रोड तहसील में भेज दीजिए, यहाँ इसको न रहने दिया। गलत करेगा तो निश्चित रूप से स्थानांतरण भी होगा। और देखिए उसकी कारस्थानी दिखा रहा हूँ साहब, बाबा अपने ये शुभ नारायण गिरी हैं, इन्होंने धारा 24 में दे रखा है 2010 में, आज 14 साल हो गया। इस पर उसकी रिपोर्ट देखिए, वो रिपोर्ट क्या लगा रहा है बाबा, एक रिपोर्ट लगा रहा है जैसे आज के डेट में कि मामले का निस्तारण कर दिया गया, पत्थर गड़ गया, मौके पर कोई काम नहीं है, और 6 महीने के बाद वही रिपोर्ट लगा रहा है जब IGRS पर डाला गया है कि पानी लगा है खेत में जिसके वजह से पैमाइश संभव नहीं है। 6 महीना पहले निस्तारण कर दिया गया, नापी हो गई, और 6 महीने बाद कह रहा है कि पानी लगने की वजह से पैमाइश संभव नहीं है, और ये दोनों रिपोर्ट प्रिंट निकला है IGRS का। इस तरह से सरकार को झांसा दिया जा रहा है।
आप दे तो हम सब जांच करवाते हैं, गुरुवार जांच करवाते हैं। ग्राम सभा ये तहसील दिवस पर दिया गया, माननीय डिप्टी सीएम आए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको भी पत्रक दिया गया, पत्रक गायब, फाइल गायब, सैकड़ों की संख्या में फाइलें गायब हैं। सदर तहसील का आप कर जांच करवा लीजिए, वो फाइल गई कहाँ? सैकड़ों की संख्या में धारा 24 की फाइलें निस्तारित कर दी गई। सरकार ने कहा कि इसको जल्द प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कीजिए, आप लोगों ने उसको खारिज कर दिया। ठीक है साहब, फाइल कभी गायब हो जब हम, अरे हम तो अपने ही बात कर रहे हैं कि मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, पता नहीं कैसे कह रहे हैं। ऐसे कई फाइल गायब होती है। जब धारा 24 का मुकदमा आपने खारिज कर दिया तो जो हमारा शुल्क जमा है सरकार के पास वो तो हमको वापस कर दीजिए, किसानों का पैसा किसानों को वापस कर दीजिए। ऑनलाइन दर्ज होता है, कोई गायब नहीं कर सकता है, गायब हो गए। ये सब विवरण देकर, और इन्होंने 2010 में मुकदमा किया है, 14 साल में निर्धारित नहीं हो, जबकि सूर्यनारायण गिरी स्पष्ट कह रहे थे कि 16,000 रुपये हमसे वो सस्ते हम 84 लिया है। मुझे इसे महीना पकड़ के टाइम दो, देखिए सरकार हमें कोई आप इंदुवार में इसकी जांच कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा रिकॉर्ड आपको दे दे रहे हैं। आप मेरे टच में तो रहोगी, आप रिकॉर्ड से आप मिला लीजिए। हम तो इतना कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं बो रहा हूं तो वो भी नहीं बोए, हमारे नाम की जमीन है, ठीक है हम नहीं बोएंगे सारी, लेकिन वो भी ना बोए जिसके नाम से जमीन नहीं, वो दबंगई से बो देगा, इसलिए कि वो जयशंकर सिंह का रिश्तेदार है। अब योगी जी का कोई रिश्तेदार होगा तो पूरे प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। ऐसे किसी के नाम आप जांच कर लीजिए, हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी के नाम आप ले रहे हो उसकी कहाँ तक सच्चाई है? हम तो रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो नई पति का कहीं दिखा दे दें आपको। ग्राम सभा पे जो भी कब्जा है उसे हटवाया गया, 100% हाथ करवा दीजिए। आप वाले मामले में भी न्यायिक प्रक्रिया में है, उसी में दिखवाता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी आपके नाम। हमारे यहाँ तो टंकी नहीं बनवाई जा रही है, ग्राम समाज की इतनी जमीन है, इसकी जमीन है, रोड पर सरकार खोज रही है, वहाँ यह रास्ता करके हटा दिया जाता है, रास्ता नहीं है, रास्ता भी है, ऐसा है नहीं। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी टाइम लेना हो आप ले लीजिए, हम यहाँ पर बैठेंगे। बात न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया में कोई आदमी टाइम लगता है। सरकार ने कह दिया है कि 48 घंटे में 72 घंटे में भूम संबंधित जो भी धारा 24 के मामले हैं उसको निस्तारित किया है। 24 घंटे में धारा 24 जो भी नहीं निस्तारित हो सकता, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप 3 दिन 4 दिन आप 1 सप्ताह ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप यह शरीर हैबिचुअल हो गया है, 40 साल दौड़ते दौड़ते हम हैबिचुअल हो गए, जब आप आंदोलन खत्म करें नहीं होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। भाई आप ये महीना 15 दिन के बाद आप फिर कर सकते हो, मना कौन करता है, लेकिन अवसर तो समय दे दीजिए, समय दे रहा है, बार बार अवसर दिया गया है। एसडीएम सदर थे प्रशांत नायक, उन्होंने कहा था पिछले साल कि मैं कटवाऊंगा, चलकर आपकी जमीन है मैं कटवाऊंगा, और जब कटवाने की बात आई तो सीधे पलट गए कि जो बोया है वही काटेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, वही प्रकरण इस बार दोहराया जा रहा है, कल आप ही कहेंगे कि जो बोया है वही काटेगा। न्यायिक प्रक्रिया है उसको न्यायिक, मैं बार बार इसमें आप लोगों से धोखा खा चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति धारा 24 से ही नापेगा या पक्षों की सहमति से नापेगा जी, अगर पक्षों में सहमति है तो हम अभी चलते नपवा देते हैं। वो जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमति कहाँ से देगा साहब? सहमति नहीं है तो वो कभी चाहेगा कि नहीं पैमाइश हो, पैमाइश हो जाएगी तो उसको खाली करना पड़ेगा। धारा 24 की वो 24 में तो मैंने दे रखा है, साल भर से मैं दौड़ रहा हूँ, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, मजबूर होकर मुझे यहाँ पर बैठना पड़ा है, मुझे शौक नहीं है यहाँ पर बैठना। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आज आप थाने को बोल कार्य प्रशासनिक कार्य है वो बाद में तुरंत, आप इतना कर दीजिए कि वो लोग उस जमीन को न बोएं। मैं अभी एसडीएम साहब से बात करूंगा, क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, अगर वो देंगे तो फिर हमारा मतलब क्या रहा? मुकदमा अगर किसी को, जमीन मेरी है, अगर मैं नहीं बो रहा हूँ तो मैं तो क्या कर रहा हूँ कि ठीक है 1 साल मैं नहीं बोऊंगा। किस स्टेज में है ये सब जाने समझे बिना हम कुछ कर पाएंगे? नहीं, मुकदमा है ही नहीं उसपे। 24 का मुकदमा, 24 का दूसरे नंबर पर है, जिस नंबर 709 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 709 नंबर पर कोई मुकदमा नहीं है, उसकी पैमाइश का मैंने दिया ही नहीं है। अच्छा, हम तो 599 का, 608 का, 509 का, 609 का और 555 का, इतना ही का मैंने दे रखा है उसमें।